भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अयोध्या को अपना प्राचीन गौरव वापस दिलाने का काम किया है। यहां पर प्रभु श्री राम के नाम के साथ जुड़कर श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, जो दुनिया के सभी स्थानों से राम भक्तों को अयोध्या लाने का काम करेगा। मित्रों, अयोध्या लाने यहां पर ट्रेन का रेलवे स्टेशन भी ऐसा अद्भुत बन रहा है, देश भर से संत महंत श्रद्धालु आएंगे, अयोध्या की भूमि पर पैर रखते ही उनको मालूम पड़ेगा कि अयोध्या पुरी में आ गए हैं, इसका भव्य रेलवे स्टेशन बन रहा है। यहां पर एक आयुर्वेदिक कॉलेज भी बन रही है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ये सभी जिलों को जोड़ने वाला 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे जो सारे अवध क्षेत्र को जोड़ेगा, लखनऊ, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बाराबंकी, अमेठी, मऊ और गाजीपुर, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे विकास का एक बहुत बड़ा मार्ग है। पवित्र राम की पौड़ी का कायाकल्प चालू है। मैंने टीवी पर दीपोत्सव देखा था मित्रों, टीवी पर देखते हुए भी आंखों में से अश्रु की धारा बहता है, ऐसा भव्य दीपोत्सव हमने यहां देखा। यहां पूरे यूपी में सबसे बड़ा बस का अड्डा बनने वाला है, मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधाएं बनने वाली है, सारे बिजली के तार आप जो ऊपर लटके हुए देखते हैं वो अंडरग्राउंड होने वाले हैं, गटर भी अंडरग्राउंड होने वाली है। और अयोध्या आज सबको मालूम पड़े ऐसे फिर से एक बार प्रभु श्री राम की नगरी के रूप में प्रस्तावित होने वाली है। यहां पर कई सारे ऐतिहासिक कुंड है, भरत कुंड, हनुमान कुंड, सीता कुंड, गणेश कुंड, दशरथ कुंड, ये सारे कुंडों को पुनर्जीवित कर मां सरयू के पवित्र जल से भरकर उसका सौंदर्यीकरण चालू होने वाला है। यहां पर प्रभु श्री राम के नाम के साथ जोड़कर युवाओं खास ताली बजाना, प्रभु श्री राम के नाम के साथ जोड़कर एक यूनिवर्सिटी भी बनने जा रही है।